सब्सक्राइब कीजिए एडुजोस चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आपको इस बार हम जो बिहार पुलिस भर्ती 2017, इसमें बहुत सारे इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आए हमारे पास, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और वो पूछा गया है। जो बार बार पूछे गए कुछ प्रश्न है उसको हमने इकट्ठा किया है और वो आपके लिए वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आप सभी को जानना बेहद जरूरी है अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं और अगर इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन क्या क्या लोगों ने पूछा है, जो आपके जैसे ही कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पूछा है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। ये सबसे पहले कैंडिडेट ने पूछा है कि मैं बिहार राज्य का नहीं हूँ, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? तो जो मेरी तरफ से जवाब है वो है कि हाँ, आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं होगा। आप एससी एसटी ओबीसी जो भी आरक्षण लेना चाहते हैं आपको वो आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि आप बिहार राज्य के निवासी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। एक कैंडिडेट ने पूछा है कि मैं 10th पास हूँ, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 12वीं पास है, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। 12th इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अगर कोई भी परीक्षा आप उत्तीर्ण है जो कि रिकॉग्नाइज बोर्ड से है तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अगर 10th पास हैं तो आप नहीं भर सकते। एक कैंडिडेट ने पूछा है कि मेरी जन्म तिथि 1 जनवरी 1992 है, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? नहीं, इस फॉर्म को भरने के लिए आयु सीमा जो है वो 18 से 25 वर्ष जो कि सामान्य वर्ग के लिए है। जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 वर्ष की उम्र सीमा है। आयु की गणना जो है वो 1 जून 2017 के अंतर्गत होगी। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसको क्लियर किया जाए तो सवाल जो नोटिफिकेशन है उसमें तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो जहाँ पे आप फॉर्म भर रहे हैं उस पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, निर्देश है। अगर वो सारा आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज मिलेगी जो हमने इकट्ठा किया। वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अगर आपकी जन्म तिथि 1/6/1992 यानी 1 जून 1992 से पहले या 1 जून 1999 के बाद की है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते क्योंकि आप 18 साल से कम के हो जाएंगे या फिर 25 साल से ज्यादा के हो जाएंगे। तो 1 जून जो है 1992 के बाद से पहले की आपकी जन्मतिथि नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे अगर 1 जून 1992 से पहले की है। ठीक है, तो अब जिनकी भी जो भी जन्मतिथि को लेकर बार बार सवाल पूछ रहे हैं तो वो अपनी जन्मतिथि देख लीजिए। अगर 1 जून 1992 से पहले की उनकी जन्मतिथि है तो वो नहीं भर सकते अगर वो सामान्य कैटेगरी के आते हैं। बाकी अगर 2 साल 5 साल और महिलाओं को जो भी उम्र सीमा में छूट है या होम गार्ड के जो कैंडिडेट हैं बिहार के उनको 5 साल की उम्र सीमा में छूट है तो आप इसमें 5 साल जो है वो जोड़ सकते हैं, यानी उनको 30 साल का समय सीमा मिलेगा। तो 92 से पहले 5 साल और कम कर लीजिए, यानी 1 जून 1987 तक अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ है जो होम गार्ड है या जिनको भी 5 साल की उम्र सीमा की छूट मिली हुई है तो 1 जून 1987 तक वो भर सकते हैं। उसके बाद अगर उससे पहले उनकी होगी तो वो नहीं भर सकते। ठीक है, आगे देखिए। क्या मैं 1 से ज्यादा आवेदन कर सकता हूँ? नहीं, 1 से ज्यादा आवेदन करने पर आपका आवेदन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। केवल बिहार पुलिस में केवल एक ही आवेदन मान्य है और आप एक बार में एक ही आवेदन कर सकते हैं, 1 से ज्यादा आवेदन आप नहीं कर पाएंगे, वरना आपका जो एक एप्लीकेशन है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। आगे देखिए, परीक्षा कब और कैसे होगी? वर्तमान सूचना के अनुसार परीक्षा अक्टूबर 2017 में होगी। सूचना में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन कुछ ज्ञात सोर्सों से हमें पता लगा है कि लिखित परीक्षा जो है वो पहले होगी और वो 100 प्रश्न पूछेगी जो कि 2 घंटे का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, गलत जवाब होने पर कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, यानी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और जो ये अक्टूबर 2017 में स्टार्ट होगी परीक्षा, तो कई चरणों में हो सकती है क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा होगा। आगे देखिए, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, ऐसा पूछा है कैंडिडेट ने। तो देखिए, परीक्षा का जो सिलेबस है वो हिंदी भाषा से सवाल पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से पूछे जाएंगे, गणित से पूछे जाएंगे, सामाजिक अध्ययन से पूछे जाएंगे जिसमें कि हिस्ट्री ज्योग्राफी यानी इतिहास भूगोल और जो कि पॉलिटी है आपका राजनीति शास्त्र उससे संबंधित प्रश्न होंगे। और सामान्य विज्ञान से प्रश्न जो होगा वो होगा आपका भौतिकी रसायन और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न होगा जो कि BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड का होगा। ठीक है, कुल 100 प्रश्न होंगे जिसके लिए 2 घंटों का समय मिलेगा, कम से कम 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपको कम से कम 30 अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप इस परीक्षा में 30 अंक लाते हैं तो आप उत्तीर्ण होंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए।
आगे देखिए, इसको क्लियर करते हैं। क्या 30 अंक लाने पर मैं फिजिकल टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाऊंगा, एक कैंडिडेट ने पूछा है। ये जो भ्रांति मन में आपके है कि आप 30 अंक ले आएंगे, और कई ऐसे चैनल्स जो वीडियो आपके लिए बनाया है उन्होंने उन्होंने लिखा है कि 30 अंक लाने पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स को 30 अंक नहीं आते वो इस प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, और जिनको 30 या उससे ज़्यादा अंक आते हैं वो इस प्रतियोगिता के अगले चरण के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे, लेकिन वो दावा नहीं कर सकते कि मैं इसमें क्वालिफाई हो गया, अब मुझे आप फिजिकल करने ही दो। वो फिजिकल के लिए वैलिड नहीं होंगे, अगर कट ऑफ ज़्यादा हो गई तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसको एक अगले सवाल में हमने पूरा क्लियर किया हुआ है। रिक्ति का 5 गुना ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इसका क्या मतलब है? नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि अगर 9,900 पद के लिए वैकेंसी आई है तो कुल 49,500 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो वो कैसे सेलेक्ट होंगे? इससे साफ होता है कि कट ऑफ जो है वो 30 तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, 30 अंक तो कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला है। ठीक है, अब 100 अंकों का प्रश्न, जो 100 अंकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें अगर किसी कैंडिडेट को, सपोज मान लीजिए 50,000 कैंडिडेट को 60 अंक से ऊपर आता है, 60 से ऊपर लाने वाले 50,000 कैंडिडेट हैं, 60 से 70 और 70 से ऊपर मान लिया कि किसी को नहीं आया, तो 60 से 70 के बीच में जो 50,000 कैंडिडेट हैं उनको ही बुलाया जाएगा, जो 60 से नीचे उनको नहीं बुलाया जाएगा। तो आप इवन आप 60 भी ले आते हैं, 59 भी ले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आपको मैक्सिमम मार्क्स अटेंड करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, ताकि आप फिजिकल के लिए बुलाए जा सके। ठीक है, उन 5 में से फिर एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी 49,500 कैंडिडेट में से 9,900 सीट के लिए जो है एक एक कैंडिडेट को फिल किया जाएगा, ताकि भर्ती पूरी हो जाएगी। फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? फाइनल मेरिट जो है वो फिजिकल के अंक के आधार पर बनेगी। अब सपोज आपको 60 से सपोज मान लिया कि कट ऑफ जो है वो मिनिमम जो कट ऑफ है वो 70 निर्धारित किया गया या 60 निर्धारित किया गया, तो 60 के ऊपर जिन लोगों को आए हैं नंबर, वो अगर 50,000 लोग हैं तो उनको बुलाया जाएगा। उन लोगों में से जो जिनको 60 70 65 कुछ भी अंक आया है, उस अंक से फाइनल मेरिट को कोई लेना देना नहीं है। किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के 70, किसी के 60, किसी के 65, उनसे कोई मतलब नहीं है। लिखित परीक्षा में बेहतर अंक आपको सिर्फ फिजिकल में प्रवेश करने के लिए होगा, ये गारंटी देता है कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा अगर आपके बेहतर अंक होंगे, सबसे अच्छे अंक होंगे। लेकिन जो मेरिट बनेगा वो सिर्फ फिजिकल के मार्क्स पे बनेगा, जो आपको दौड़ लगानी होगी, जो हाई जंप होगा, जो जो लॉन्ग जंप होगा, और जो कि गोला फेंकना होगा, इसके आधार पर आपको अंक मिलेंगे, और जो कि 100 अंकों का होगा उसमें अगर आपको सबसे ज़्यादा अंक आते हैं तो उसके आधार पर ही मेरिट बनेगी और उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म भरने के बाद डाक से भेजना पड़ेगा या नहीं, एक कैंडिडेट ने पूछा है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, आपको फॉर्म प्रिंट आउट कर उस पर फोटो और हस्ताक्षर करने के बाद स्कैन करके अपलोड करना होगा उसी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद, और उसके बाद उस प्रिंट जो आपने जो फॉर्म आपने प्रिंट किया था जिसपे आपने सिग्नेचर और अपना फोटो चिपकाया था वो संभाल के आपको रखना होगा, उसको बोर्ड को भेजने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी आपको डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपको बोर्ड को भेजने की ज़रूरत नहीं है, चयन पार्षद को भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CSBC ने ये आपसे मांगा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ डेटाबेस में उनके इकट्ठा हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको एडमिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे थे हमारे चैनल्स पे। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी कीजिए।